इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी ऐसी है जो कि लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले पोर्टफोलियो में ज्यादा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है और उसी के साथ स्मॉल कैप की जितनी वोलेटाइल और इलिक्विड भी नहीं है। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर मिड कैप फंड को रिव्यू करेंगे जो है एक्सिस मिड कैप फंड। बट आगे बढ़ने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रिव्यूज ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड मेनी मोर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। इससे पहले कि हम एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें, चलिए आइए एक बार नजर डालते हैं कि मिड कैप फंड्स होते क्या है। मिड कैप फंड वो फंड्स हैं जो कि अपने मैक्सिमम एसेट्स मिड कैप कंपनीज में लगाते हैं। बाय डेफिनेशन मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं व्हिच फॉल इन द 101st टू 250th रैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन कंपनीज की वोलेटिलिटी जनरली लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले ज्यादा होती है, बट उसी के साथ साथ जो इनका रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल है वो भी लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा ही होता है। एक्सिस मिड कैप फंड अपने टोटल एसेट्स का 80% से ज्यादा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक एक्टिव फंड है। जो फंड मैनेजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन से शेयर्स इस फंड में रखने हैं और कौन से बेचने। मैक्सिमम स्टॉक्स इस फंड में 101st से लेकर 250th मार्केट कैप वाली कंपनीज के ही होते हैं। इसके कारण इस म्यूचुअल फंड को मिड कैप कैटेगरी में डाला गया। चलिए इस फंड के फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। एज ऑफ 30th जून 2020 इस फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 5,511 करोड़ रुपए के थे और इस पर एक्सपेंस रेशियो 2.05% का था। 30 जून को फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 37.53 रुपीस का था। जुलाई के महीने में अच्छे परफॉर्मेंस के कारण इस फंड का NAV 28 जुलाई को 38.58 रुपीस पर बंद हुआ। देखते हैं कि इस फंड ने पिछले कुछ सालों में किस तरह की परफॉर्मेंस दी है। मार्च के महीने में दूसरे इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड ने भी काफी लॉसेस झेले थे, लेकिन पिछले क्वार्टर के आउटस्टैंडिंग रिकवरी के कारण इस फंड का 1 ईयर परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। इस फंड का 1 ईयर रिटर्न 10.61% पर है। लास्ट 5 ईयर रिटर्न भी इस फंड के अच्छे रहे, वाइल द 7 ईयर रिटर्न्स हैव बीन एक्सेप्शनल एट 18.21%। इस फंड की इंसेप्शन फरवरी 2011 में हुई थी और तब से अब तक फंड ने एवरेज 15.36% का दिया है, विच इज वेल अबव द कैटेगरी एवरेज। इस फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इन द केस ऑफ अ लमसम इज ₹5,000। परमिसेबल इन्वेस्टमेंट की कोई अपर लिमिट नहीं है। इन केस आप SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहें तो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹500। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर एग्जिट लोड लगता है। अगर आप परचेज के एक साल के अंदर अंदर यूनिट बेचते हैं तो द फर्स्ट 10% ऑफ द यूनिट्स आर फ्री फ्रॉम एनी एग्जिट लोड। उसके ऊपर आप जितना भी बेचते हैं उस पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। अगर आप यूनिट्स को एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं। लास्ट में बात करते हैं एक्सिस मिड कैप पर लगने वाले टैक्सेस की। क्योंकि ये फंड प्रीडोमिनेटली इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है तो इस पर जो टैक्सेस लगते हैं आर सिमिलर टू द टैक्सेस ऑन इक्विटीज। अगर आप परचेज के एक साल के अंदर अंदर यूनिट बेचते हैं तो जो भी कैपिटल गेन्स है दे आर टैक्स्ड एट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑफ 15%। अगर आप परचेज यूनिट्स को एक साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो द टैक्स इज एट द लॉन्ग टर्म रेट्स। द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्स एट 10% फॉर एनी गेन्स मोर देन 1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर आप 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं एक साल में तो आपको उस पर 10% भरना पड़ेगा एज टैक्स। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटीज में लगाते हैं तो इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा हाई है। लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप फंड्स में वोलेटिलिटी भी हाई रहती है। हाउएवर स्मॉल कैप के मुकाबले इनमें रिस्क कम माना जाता है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम अ मिड कैप फंड आर हायर देन अ लार्ज कैप फंड्स। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो कि अपना पैसा मिड कैप कंपनीज के शेयरों में लगाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में इस फंड की एक अच्छी रिटर्न देने की बहुत कैपेबिलिटी है। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर बात करें अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ दिस फंड इन योर पोर्टफोलियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। For many more such videos related to mutual funds and finance products, do not forget to subscribe to our channel and hit the bell button for instant notifications. In case you have any questions or comments, please feel free to post them in the comment section below or on our website zfunds.in. Thank you for watching Zfunds.